कई बार हम बिना सोचे समझे किसी की भी बुराई करने लगते हैं। हम नहीं जानते कि सामने वाला किन हालातों से गुजरा है। हमें बस उसकी आलोचना करने से मतलब होता है। खासकर एक्टर्स के साथ में तो अक्सर ऐसा होता है। शाहरुख खान बॉलीवुड के अकेले ऐसे एक्टर हैं जिनकी सबसे ज्यादा बुराई की जाती है। कई बार लोग उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे चुके हैं। अगर वो कोई बयान दे दें तो लोग कहते हैं कि इसे पाकिस्तान भेज दो। उनके बारे में गलत गलत खबरें फैलाई जाती हैं। लेकिन आज हम शाहरुख खान की वो सच्चाई आपको दिखाएंगे जिसे जानकर आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। वो कहावत है ना कि दौलत से आप सब कुछ खरीद सकते हैं लेकिन खुशियां नहीं खरीद सकते। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे अमीर एक्टर होने के बावजूद भी शाहरुख खान अपनी पर्सनल लाइफ में बेहद दुखी हैं और इसकी वजह है उनकी बहन शहनाज। शाहरुख जब छोटे थे तब एक दिन उनके पिता ने बताया कि उन्हें कैंसर हो गया है। तब शाहरुख को इस बीमारी के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। उन्हें लगा कि उनके पिता ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसके 3 महीने बाद ही उनके पिता का निधन हो गया। जब शाहरुख के पिता ताज मोहम्मद का पार्थिव शरीर घर लाया गया तो शहनाज को इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। शहनाज स्कूल से आई और पिता का शव अपनी आंखों के सामने देखकर बेहोश हो गई। शहनाज 2 दिन तक बेहोश रही थी। उनकी आंखों से आंसू की एक बूंद तक नहीं बही, इसलिए वो डिप्रेशन में चली गई। वो बीमार रहने लगी थी। घर की सारी जिम्मेदारी शाहरुख के कंधों पर आ गई थी। शाहरुख अपने पिता की मौत के गम से बाहर निकल आए और दिलवाले दुल्हनिया की शूटिंग शुरू कर दी। इस बीच फिर से शहनाज की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर्स ने कहा कि अब वो नहीं बच पाएंगी। तब शाहरुख उन्हें इलाज के लिए स्विट्जरलैंड लेकर गए। यहाँ कई दिनों तक उनका इलाज चला। इसके बाद शहनाज की हालत में कुछ सुधार हुआ। शाहरुख ने अपनी बहन की शादी इसलिए नहीं की क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि माता पिता की तरह उनकी बहन भी उनसे कहीं दूर ना चली जाए। आज भी शहनाज पिता को याद कर अक्सर रोने लगती हैं। शाहरुख अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। उनके घर में हमेशा एक नर्स मौजूद रहती है जो शहनाज का ख्याल रखती है। स्क्रीन पर हमेशा मुस्कुराने वाले शाहरुख कितने दर्द दबाए बैठे हैं इस बात का कोई अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। फिलहाल आपको कैसी लगी शाहरुख के बारे में ये जानकारी हमें कमेंट में बताइए। और ज़्यादा ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।